लिए 100 न्यूज पर राज्यनी छ महानगरपालिका की चूंटणी ने लईने महत्वना समाचार मुदत पूर्ण थता म्युनिसिपल कमिश्नरों ने सौंपाशे जवाबदारी छ महानगर मनपाओं की चूंटायेली पांखनी मुदत 13 डिसेम्बरे पूर्ण थशे। म्युनिसिपल कमिश्नरों ने रोज बरोज की कामगिरी की जवाबदारी आगामी सामान्य चूंटणी पूर्ण थाय त्यां सुधी संभाळशे चार्ज अमदावाद वडोदरा सूरत राजकोट जामनगर भावनगर ने लईने निर्णय। राज्य में 1270 कोरोना केस नोधाया 1465 दर्दियों स्वस्थ थईने घरे परत फर्या था। हाल राज्य में 72 दर्दियों वेंटिलेटर पर छे। कोरोना थी आज राज्य में 12 दर्दियों मृत्यु थया था। तो राज्य में कुल 2,24,081 कोरोना पॉजिटिव केस नोधाया छे। राज्य में कोरोना 13,820 एक्टिव केस नोधाया छे। कोरोना थी कुल 4,135 दर्दियों मृत्यु थया छे। तो राज्य में कुल 2,06,126 दर्दियों स्वस्थ पण थया हता। तो गुजरात नु सौथी मोटू कोविड ट्रायज सेंटर वडोदरा में शुरू थयु छे। सयाजी होस्पिटल ना कोविड विभाग में कोविड ट्रायज सेंटर शुरू करायु छे। कोरोना ना लक्षणों धरावता दर्दी ने मळशे तात्कालिक सारवार। तो सारवार माटे दर्दी ने नहीं जोवी पड़े कोरोना रिपोर्ट नी राह। कोरोना रिपोर्ट आवता पहला ज शुरू कराशे तात्कालिक सारवार। रिपोर्ट आया बाद योग्य वोर्ड में दर्दी ने सारवार माटे खसेड़वामां आवशे। 22 बेडनी सुविधा साथे राज्यनी सौथी मोटी कोविड ट्रायज सुविधा मध्य अने दक्षिण गुजरातना दर्दीओने पण मळशे। तेनो लाभ कोविड ट्रायज सेंटर माटे 93131-6199 नंबर पण कार्यरत करवामां आवशे। मोरबी हळवदना खोड गामे लग्न प्रसंग में फायरिंग करवामां आव्युं हतुं। बारबोर जोटामांथी फायरिंग थयानो वीडियो वायरल थयो छे। डीजे ना ताले झूमता लोकोना टोळा वच्चे फायरिंग थयुं हतुं। तो राज्य में पाणीना व्यवस्थापन मामले कांग्रेसना आकरा प्रहार सामे आव्या छे। गुजरातना अनेक विस्तारों में पीवाना पाणीनी समस्या होवानुं मनीष दोशीए जणाव्युं हतुं। अमदावादना 24% विस्तार में नहीं मिली रही शुद्ध पानी। 35,996 वसाहतों ने पीवानू पानी आपवानो सरकारी दावो खोटो। 37% वसाहतों में पानीना जोड़ाण अने पाइपलाइन अभावनो आक्षेप। खेडूतोना आंदोलन में विद्यार्थी अने युवानो पण जोड़ाई रह्या छे। पंजाबना होशियारपुरनो रणजोतसिंह आजे जवानो हतो यूके। रणजोतसिंह नामनो विद्यार्थी यूके जवाने बदले रोकाई गयो छे सिंघू बॉर्डर पर। यूके जवाने बदले माल सामान लईने विद्यार्थी पहुंची गयो छे। आंदोलन में युवक आंदोलन स्थल पर हाल विरोध प्रदर्शन में शामिल थयो छे। आंदोलन वधु उग्र अने जन समर्थन वाळू बनी रह्युं छे। खेडूतोना कृषि कायदाओ रद्द करवानी मांग साथे आंदोलन थई रह्युं छे। दिल्ली ने जोड़ता मार्गो पर खेडूतोनो चक्काजाम थयो छे। सरकारना मंत्रीओ अने नेताओनो घेराव करशे खेडूतो। कृषि कायदाओ पाछा नहीं खेंचाय त्यां सुधी आंदोलन चालू रहेशे। खेडूत नेता राकेश टिकेते जणाव्युं हतुं के सरकारना आमंत्रणनी राह जोई रह्या छीए। कायदो परत न खेंचाय त्यां सुधी आंदोलन उग्र स्वरूपे चालू रहेशे। सरकार नहीं सांभळे तो मंत्रीओ अने नेताओनी तेओ घेराव करशे। खेडूतोना आंदोलन ने विपक्ष पण समर्थन आपी रह्युं छे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन पण आंदोलन में जोड़ाई गया छे। श्रीनिवासने जणाव्युं हतुं के यूथ कांग्रेसना कार्यकरो दिल्ली तरफ कूच करशे। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करता खेडूतो लड़ी लेवाना मूड में आ गया छे। मांग न स्वीकाराय त्यां सुधी आंदोलन चालू राखवानी तेओनी तैयारी छे। खेडूत आगेवान जगमोहन सिंह साथे वीटीवीए बातचीत पण करी हती। दिल्ली में आंदोलन करता खेडूतो माटे जमवानी व्यवस्था करवामां आवी छे। रोटली बनावानुं मशीन सोशियल मीडिया पर वायरल थयुं छे। मशीन एक कलाक में 1200-1400 रोटली बनावे छे। कृषि कायदाना विरोध पर केंद्रीय मंत्री राव साहेबे जणाव्युं हतुं के खेडूत आंदोलन में चीन पाकिस्ताननो हाथ छे। नवा कायदा विषय खोटी भ्रामक वातो फैलावीने लोकोने खोटी रीते उश्केरवानो प्रयत्न थयो छे। खेडूतोने भ્રમિત કરવામાં આવી રહ્યા છે। राव साहेब दानवेना निवेदन पर संजय राउते जणाव्युं हतुं के आंदोलन पाछळ चीन पाकिस्ताननो हाथ होय तो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अने गृहमंत्री आ मुद्दे गंभीरताथी विचार करे। राव साहेब दानवेना निवेदन पर मंत्री बच्चू कड़ुए जणाव्युं हतुं के राव साहेब दानवेने घर में घुसीने मारवा पड़शे। अगाउ राव साहेबना घरनो घेराव करवानी अमे वात करी चूक्या छीए। भाजप नेता अश्विनी उपाध्याये आक्षेप करता जणाव्युं हतुं के कायदो बनावानी प्रक्रिया गैरबंधारणीय छे। चार आईएएस अधिकारीओ मळी बिल तैयार करे छे। लोकोनो अभिप्राय नथी लेवामां आवता। नबळी बाबतो सामे आवशे जेथी सुधारो शक्य बने।
આવતીકાલે દેશભરના 3 લાખ ડોક્ટર્સની હડતાળ છે. 11 ડિસેમ્બરના ઇમરજન્સી કોવિડ ડ્યુટી સિવાયના ઓપીડી બંધ રહેશે. તમામ ચિકિત્સા પદ્ધતિને એક કરવાનો વિરોધ છે. તો સીએમ રૂપાણી અને પત્ની અંજલિબેન પેજ પ્રમુખ બન્યા છે. સીએમ રૂપાણી પત્ની અને અંજલિબેન વોર્ડ નંબર 10 તેમજ બુથ નંબર 2ના પેજ પ્રમુખ બન્યા છે. સીઆર પાટીલે સીએમ રૂપાણી અને અંજલિબેનનો આભાર માન્યો હતો. પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનમાં વધુ વિલંબ થશે. 12 અને 13 ડિસેમ્બરના મળનારી ચિંતન બેઠક છે. તે સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ચિંતન બેઠક બાદ પ્રદેશ ભાજપનું માળખું જાહેર થશે. ચિંતન બેઠકમાં પ્રદેશ માળખા અંગે સધાઈ શકે છે સહમતિ. કોંગ્રેસ પ્રભારી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખનું માળખું નક્કી કરશે. જિલ્લા પ્રમુખના માળખામાં ફેરફાર પણ કરી શકવામાં આવે છે. માળખામાં ફેરફાર પણ 1 જ સપ્તાહમાં મોકલવાનો રહેશે. તો ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદનું ઝાપટું આવ્યું હતું. બપોર બાદ ગીર સોમનાથ તેમજ ગઢડામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે. વરસાદી પાણીથી શેત્રુંજી ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમમાં 308 ઘન મિલિયન લીટર પાણીનો સંગ્રહ થયેલો છે. દર વર્ષે કરતા આ વર્ષે ડેમમાંથી છોડાશે વધુ પાણી. ખેડૂતોને 8 વખત અપાશે પાણી. ખેડૂતોને ઉનાળા પાકમાં ફાયદો થશે. તો દેશભરના ડોક્ટર્સ હવે સરકારને ઘેરવાના મૂળમાં આવી ગયા છે. આજે દેશભરના 3 લાખ ડોક્ટર્સ કરશે હડતાળ. ગુજરાતના 28 હજાર ડોક્ટર જોડાશે હડતાળમાં. સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે શરૂ કરાશે સુપર સ્પેશિયાલિટી સેવા. 57 કરોડના ખર્ચે શરૂ કરવામાં આવશે સેવાઓ. સુરતની ટ્રાઇડેન્ટ હોસ્પિટલ સીલ કરવામાં આવી છે. ફાયર સેફ્ટીના સાધનો અપૂરતા હતા તેના કારણે સીલ કરાઈ છે. તો ગાંધીનગરમાં 709 એકમમાંથી માત્ર 281 પાસે જ ફાયર એનઓસી. 428 એકમ એનઓસી વિના ધમધમી રહ્યા છે. રાજકોટ ફાયર વિભાગમાં ખાલી જગ્યા માટે ભરવા કવાયત. 15 લીડિંગ ફાયરમેન સહિતની જગ્યાઓમાં કરાશે ભરતી. ભાવનગરમાં વેક્સિનેશનને લઈને આરોગ્ય વિભાગ ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી રહ્યું છે. 500 લોકોની ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. મહીસાગરના મોટા ભાગડિયા નહેરની પાઇપલાઇનમાં લીકેજ થયું છે. ખેડૂતોના મકાઈ ઘઉં ચણાના પાકને નુકસાન થયું છે. અમદાવાદીઓ રસ્તા પરના ડિવાઇડર તોડી બનાવ્યા છે. શોર્ટકટ યુટર્ન લેવા આગળ ન જવું પડે એના માટે ડિવાઇડર તોડવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષામાં નિયામક નિલેશ સોની માસ્ક વગર જોવા મળ્યા હતા. પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને માસ્ક વગર નથી અપાતો પ્રવેશ. રાજ્યમાં પ્રથમ વખત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ માર્કશીટમાં ક્યુઆર કોડ ઉમેર્યો છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ક્યુઆર કોડનું કરી શકે છે વેરિફિકેશન. આયુર્વેદમાં ખાનગી કોલેજોની બેઠકો ઓલ ઇન્ડિયા કોટામાં ભરાશે. આયુષ મંત્રાલય દ્વારા નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો. સુરેન્દ્રનગરના લિયાદ ગામે પીજીવીસીએલ તંત્રનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતો અને માથાભારે શખ્સોનું ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ થયું હતું તેના કારણે ચેકિંગ કરાયું હતું. ગીર સોમનાથમાં એસપીએ 9 ખાણો પર દરોડા પાડ્યા હતા. એએસપી પાસેથી એસપીનો ચાર્જ પરત લેવામાં આવ્યો છે. તાપીમાં વેદાંતા ઝીંક કંપનીનો આદિવાસી સંગઠન દ્વારા વિરોધ કરાયો હતો. વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટના મોટી મારડના ખેડૂતોની કેનાલમાં રામધૂન કરવામાં આવી હતી. કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવા માંગ કરાઈ હતી. તો સુરતમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ આર્કિટેક્ટ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જવાબદારી ફિક્સ ન કરાતા વિરોધ કરાયો હતો. વડાપ્રધાન મોદીના કચ્છમાં સોલર એનર્જી પાર્કના ભૂમિપૂજન પહેલા વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. જમીન ફાળવણીને લઈને વિરોધ લોકો કરી રહ્યા છે. તળાજાના નવા રોડનું કામ ચાલુ હોવા છતાં ટોલટેક્સ ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યો છે. ભાવનગર સોમનાથ રોડનું થઈ રહ્યું છે નવીનીકરણ. રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સિંહ દેખાયા હતા. સરદાર પાડાસણ કાથરોટા વિસ્તારમાં સિંહ દેખાયા હતા. પારડીના સંસ્કાર કેન્દ્રમાં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. એએમસી દ્વારા બાળકોની 10 ટિકિટ નક્કી કરાઈ છે. અમદાવાદના મોટેરા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં 6 વર્ષ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ યોજાશે. 2 ટેસ્ટ અને 5 T20 મેચ રમવામાં આવશે. ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ પાર્થિવ પટેલે જણાવ્યું હતું કે મને મારી કારકિર્દીથી સંતોષ છે. સુરતમાં આપઘાત કરનાર મહિલા પીએસઆઈની સ્પીચનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં પીએસઆઈ આત્મવિશ્વાસ અને જુસ્સાની વાત કરતા નજરે પડી રહ્યા છે.
पांडेसरा स्कूल में मळ्या छे चित्रे। हाल 1000 यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कौभांड बाद तपासता नामे राखी मुक्या हता यूनिफॉर्म। अमदावाद में पीएसआई विरुद्ध युवती पर दुष्कर्म प्रयास की फरियाद, वाळज पोलीस स्टेशन पीएसआई आरआर मिश्रा की धरपकड़। पारड़ी पुलिस गणतरी कलाकों में दागीना चोरी आरोपी ने धरपकड़ की थी। दीकरी लग्न में पार्लर में जती माता हाथ में दागीना की चोरी थी। सूरत में एकज रात में बे गंभीर घटनाओं घटी थी। गई काले गुम थे बाड़की मिली आई थी। सचिन जिया डीसी में 7 वर्ष की बाड़की पर दुष्कर्म की घटना घटी थी। तो राजकोट में ब्राउन शुगर जत्था साथ क्राइम ब्रांचे वसीम सुल्तान नामना शख्स की धरपकड़ की थी। रूपया 5.18 लाख ब्राउन शुगर जत्थो जप्त करो। तो गांधीनगर सेक्टर 11 में हाईराइज बिल्डिंग में गैरकायदेसर बांधकाम की फरियाद उठी है। बिल्डिंग में प्लान प्रमाण पार्किंग व्यवस्था न होवानो आक्षेप थयो छे। जूनागढ़ मनपा और वीज कंपनी सामे फरियाद थई छे। 24 कलाक में 5 करोड़ नु लेणू भरपाई करवा मनपाए नोटिस फटकारी छे। हवे खनिज चोरो पर हवे सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माथी राखशे नजर। वाहनों जीपीएस सिस्टम थी कराशे ट्रेकिंग। आंतरराष्ट्रीय कथक नृतक पद्मश्री आस्तब देबुरु निधन थयुं छे। मुंबई खातेना निवासस्थाने अंतिम श्वास लीधा हता। गुजरात 12-14 डिसेम्बर सुधी गुजरात बंद, हाईकोर्ट बंद रहेशे। कोरोना संक्रमण वधता आ निर्णय लेवायो छे। कोरोना की वैक्सीन लईने एएमसी और एएमए तैयारी की याद तैयार करी छे। एएमसीए बनावी छे खास एप्लिकेशन। नवा संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी हस्ते शिलान्यास। 2022 सुधी नव संसद भवन तैयार थी जैसे। नवी संसद भवन शिलान्यास पर पीएम मोदी जणाव्युं कि आजाद भारत प्रथम संसद पण अहीं ज बैठा था। 21मी सदी भारत ने नव संसद भवन मिली रही है। नव संसद भवन आत्मनिर्भर भारत साक्षी बनशे। संसद शिलान्यास लईने पर्यावरण एक्टिविस्ट और वकील शिव सूरी सुप्रीम में अरजी करी है। झाड़ ने बेफाम कापता होवानो आरोप लगाव्यो छे। आगामी नाणाकीय वर्ष थी कर्मचारी पीएफ एकाउंट में वधारे रकम थशे। जमा निवृत्ति बाद कर्मचारी ने मळशे मोटी रकम। कांग्रेस की आगेवानीवाला विपक्षों गठबंधन ने यूपीए में बदलावा की तैयारी। यूपीए अध्यक्ष बनी शके शरद पवार। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय काफला पर हुमलो। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में थी थी तोड़फोड़। काफला पर थे हुमला बाद भाजप अध्यक्ष नड्डाए जणाव्यु कि आ हुमलो ते वातनो पुरावो है। बंगाल अंधाधूंधी और असहिष्णुता पर्याय बनी गयो छे। तो वाईएसआर नेता डी रेवती टोल प्लाजा कर्मचारी साथ बाखड़ी पड़ा था। टोलटेक्स आप ना पड़ता डी रेवती ने अटकवामां आव्या हता। भाजपना कार्यक्रमों मनीष सिसोदिया घर पर हुमलो करे होवानो आक्षेप थयो छे। भाजपना कार्यक्रमों दरवाजो तोड़ीने अंदर पहोंच्या अने पोलीस जोती रही हती। तो झारखंड डुमका में 5 बाळकों की माता साथे सामूहिक दुष्कर्म करवामां आव्यु हतु। पति ने बंधक बनावीने 17 लोकोए दुष्कर्म आचर्यु हतु। तो सीजीआई एसए बोबड़े की माता साथे 2.5 करोड़ की छेतरपिंडी थई हती। तापस घोष अने तेना पत्नी मुक्ता बोबड़े साथे थई हती छेतरपिंडी। चार इवेंट कंपनियों मालिक प्रेम प्रसंगे इंदौर में आपघात कर्यो छे। पुलिस ने मृतदेह पासे थी मळी आवी छे सुसाइड नोट। प्रख्यात हेर स्टाइलिस्ट सूरज गोदामेरी ड्रग्स खरीदवा में आरोप में धरपकड़। 17.6 ग्राम में कोकीन की खरीदी करी होवानो आरोप। महाराष्ट्र कैबिनेट की शक्ति एक्ट ने मंजूरी। शक्ति एक्ट में दुष्कर्म माटे मृत्युदंड की सजा की जोगवाई। तो जम्मू कश्मीर में विकास परिषद की चूंटणी माटे थई रह्यु छे मतदान। लोखंडी सुरक्षा वच्चे आज 5मा तबक्का मतदान। भारतीय रेलवे आज थी शुरू थनारी घणी ट्रेन करी रद्द। जारे अनेक ट्रेन ना समय में पण करायो छे फेरफार। पेट्रोल डीजल ना भाव पर 60-70% टैक्स नो भार। आंतरराष्ट्रीय स्तरे क्रूड ना भाव घट्या होवा छतां भारत में भाव वधारो। दिल्ली में आगामी 2 दिवस वरसाद की आगाही। वरसाद थता प्रदूषण थी मिली शके छे थोड़ी राहत। कोरोना की त्रीजी लहर दिल्ली में ओछी थई रही छे। लोको सावधान एनी जरूर छे।
फाइजर इंडिया और सीरम इंस्टीट्यूटे वैक्सीन ना इमरजेंसी उपयोग माटे मांगी छे मंजूरी। कोरोना वैक्सीन बनावनारी फाइजर कंपनी ना डेटा पर साइबर अटैक थयो छे। स्पुतनिक रसी लीधा बाद बे महीना सुधी आल्कोहल नु सेवन न करवानी चेतवणी आपवामां आवी छे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मोकलवानी पाकिस्तान ने नापाक हरकत सामे आवी छे। सेना ना पलटवार में बे पाकिस्तानी सैनिकों पण ठार। पाकिस्तान ने सतावे छे सर्जिकल स्ट्राइक नो डर। पाकिस्ताने पोताना सैनिकों ने सरहदे हाई एलर्ट राखी दीधा छे। तुर्की काश्मीर में हुमलो करवा माटे 100 सीरियाई हत्यारा ने लीधी मदद। 100 सीरियाई हत्याराओं प्रशिक्षण आपवानुं कर्युं शुरू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ना रिपोर्ट आप्या खतराना संकेत। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हवे त्यानी चरम सीमा पर। 14 डिसेम्बर ना वर्षनो अंतिम सूर्यग्रहण। बुध केतु मंगल अने शुक्रनु थशे विचित्र भ्रमण। भारत में गूगल पर 2020 में सौथी वधु सुशांत सिंह राजपूत नु नाम थयु सर्च। इंस्टाग्राम में आव्यु छे वेनिश मोड। वेनिश मोड में थयेली बातचीत जाते थशे गायब। मुकेश अंबाणी ना मोटा दीकरा आकाश अंबाणी और पत्नी श्लोका मेहताए दीकरा ने आप्यो जन्म। फोर्ब्स एशिया पेसिफिक मोस्ट इन्फ्लुएंस सेलिब्रिटी की यादी करी जाहिर। बिग बॉस 14 ना शो ने टीआरपी न मरता ओल्ड इज गोल्ड नो फॉर्मुला शुरू करने निर्णय कर्यो छे। शो दरमियान कपिले क्रिकेटर अक्षय पटेल पास कर्यो सवाल कई अभिनेत्री तमने सौथी वधु पसंद छे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म द फाइनल ट्रूथ में शीख कॉप में जोवा मळशे अक्षय। हाउसफुल लेने डायरेक्टर करी रहा है तैयारी। सूत्रों पास की मिलती माहिती मुजब हाउसफुल 5 में दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन पण हशे। कोहली ना स्वदेश परत फरवा पर अजिंक्य रहाणे टीम की करशे आगेवानी। कोहली ना स्वदेश परत फरवा पर मास्टर ब्लास्टर सचिने कहूं कि कोहली जेवा अनुभवी खिलाड़ी टीम ने न मड़े तो आशंकाओं सर्जाय छे। आईपीएल में सौथी वधु धोनी ने 137 करोड़ की कमाणी करी छे। मुंबई ना कैप्टन रोहित शर्मा ने 131 करोड़ की कमाणी करी छे।